राज इसकी 31वीं गाथा और उसकी टीका के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए गाथा, जो इंदिये जिणिता नाण सहावादी अम्मुडदी आदम तं खलुदि दिंदियं ते नडंति जिणिच्छिदा नंबर 2 देखिए टीका का। ग्राहक ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। कैसे जीता इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को? जो ज्ञान है वो ज्ञान असंग है। कैसा है? असंग है। कल रात्रि में जितने लोग होंगे उन्हें बात एकदम ख्याल में आएगी। नींबू पानी में शक्कर और उसकी मिठास, वो पानी के नींबू के खटास के नमक के और खारेपन के संग में है कि उनसे भिन्न असंग है? क्या कहा? नींबू नमक शक्कर पानी चार चीज मिलकर नींबू पानी बना। एक गिलास में चारों चीजें हैं, चारों एक में एक दिख रही हैं। ऐसा होने पर भी चारों अलग अलग हैं कि मिल गई हैं? एक दूसरे के काम कर रहे हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं? एक दूसरे से अच्छे बुरे होते हैं कि सब शुद्ध रहते हैं? असंग है। इसको आगम की प्रमाण की भाषा में बोले अनेकांत की ऐसे जादवाद की, संग में रहकर भी असंग है। कैसे है? असंग है। ऐसे ही ये शरीर, आठ कर्म, मोह राग देश, इनके संग में रहकर भी मैं असंग हूं। कैसा हूँ? असंग हूँ। तो ज्ञान ने मैं असंग हूँ ऐसा जाना, तो ये भावेंद्री, द्रवेंद्री और इनके जो पदार्थ हैं तीनों, दिखाई देने वाले, छूने में आने वाले, चखने में आने वाले, ये संग है कि असंग है? देखो, यहाँ असंग देखा तो वहाँ भी असंग दिख रहे हैं। नोट कर लो, जो अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखता है वो ही दूसरे को ज्ञान स्वरूप ही देखता है। जो अपने को कसाई देखेगा उसे दूसरा भी कसाई दिखेगा। चोर को सब चोर दिखते हैं। मुहावरा सुना होगा? क्या कहा?
रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है, तो सीता जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं? वो अपने को ज्ञायक अनुभव कर रही है, ठीक है। और रावण ने उन्हें उठाया और अपहरण करके ले जा रहा है, तो रावण को कैसा देख रही है? जल्दी बोलो, दुष्ट पापी कैसा देख रही है? ये अलौकिक दृष्टि का नाम है सम्यक दृष्टि। जैन सामान्य दृष्टि से मिथ्या दृष्टि, सामान्य मतलब ये सामान्य भी, वो सामान्य नहीं। अपने सामान्य की दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा नितिन जी? क्या कहा? हमने शब्द वो नहीं बोला जो आप बोल रहे हो, हमने शब्द बोला है अपने सामान्य की दृष्टि, सामान्य और सामान। अंदर समझ में आ रहा है कुछ? ट्रेन है, आप ट्रेन में चढ़े हो, बहुत भीड़ है, सबके सूटकेस रखे हैं, बैग रखे हैं, बोलो कौन के सामान की दृष्टि से सज्जन है? अरे ये बड़ा है, चमचमाता है, नया है, भारी भी है, जब उतरेंगे तो यही। विकास जी, जब उतरेंगे तो यही कौन है? ये तुम उसे छू नहीं सकते, छुरा नहीं सकते, लेकिन ऐसा विकल्प भी आया तो कौन हो? अरे बोलो तो, चोर और डाकू में क्या अंतर है? बोलो रे सताई, पूरा बोलो अच्छे से, ठीक है भावार सहित। अरविंद जी आगे जाओ, पीछे मजा नहीं आता, या तो हम आगे जाएं, मतलब चोर और डाकू में क्या अंतर है? बोलो शांतनु। वो उससे पूछ ले, हाँ अच्छे से बैठो पहले ऐसे, हाँ और बोलो। चोर और डाकू में अतुल भाई, नहीं आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं चोर और डाकू में, क्या अंतर है? चोर छुपकर आता है, अंधेरे में आता है, रात को आता है, और चुपचाप जो मिला थोड़ा बहुत वो ले जाता है, और डाकू गब्बर सिंह खुले आम आता है, चेतावनी देके आता है, और जो जो कुछ नहीं ले जाता वो तो सामने आम। लिख लो, ऐसे ही भेद विज्ञान नहीं करने वाला ज्ञान वो चोर नहीं है, वो डाकू है। ये शरीर कर्म कसाय अजीव आश्रव तत्व भिन्न तत्व उत्पाद वाले असंग, इनसे कोई संबंध नहीं। कौन से संबंध नहीं? परमार्थ से कहे तो एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का और ज्ञातृत्व का। कल रात में बताया था, जानने का भी संबंध नहीं है, जानना भी अपने हाथ में नहीं है, पर को जानेंगे, कब जानेंगे, कितना जानेंगे, कि है ही नहीं है। अरविंद जी क्या संबंध नहीं है? हाँ? सुन क्यों नहीं रहे प्रवचन? तो जाने की टाइम है बसंते में आज, और कहो तो अभी बंद कर दे, मैं बोल दू। जानने का संबंध भी नहीं है, संबंध कहते हैं ये व्यवहार है। क्या कहा? व्यवहार है, व्यवहार से जानने का संबंध नहीं है। क्या कहा? अंतर पड़ा कुछ? कुछ अंतर पड़ा? अग्नि निश्चय ऐसे गर्म है और व्यवहार ऐसे, बोलो
व्यवहार में सभी गर्म है। अच्छा, कल तो ठंडी नहीं हो जाएगी? जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को अपना न जानकर खुल्लम खुल्ला कह रहा है मैं शरीर वाला, संयोग वाला, कर्म वाला, कसाय वाला है ज्ञान, और बोल रहा है मैं करने वाला, वो ज्ञान कौन है? कल रात में एक बहुत बढ़िया चर्चा आई थी, ज्ञान यदि पर को करेगा, कर्ता बनेगा, तो ज्ञान का जानने का काम कौन करेगा? ये तर्क दिया था मनोज जी, क्या ज्ञान का काम कौन करेगा? विप्लव हो जाएगा? नहीं आई समझ में? नहीं आई? कई लोगों को नहीं आई ना, बोल रहे नहीं आई, ऐसे नहीं बोल रहे नहीं आई, ऐसे बोल रहे हैं, क्या कहे हम? आई कि नहीं आई? आई वाले बोलो पहले, आई पहले, आई वाले बोलो। अब नहीं आई वाले बोलो नहीं आई। देखो अब आई नहीं आई, और अभी किसी से पूछेंगे एक ऑफिस है उसमें पांच लोग हैं, और पांच के पांच है छह है, और छह के काम है, एक बॉस है, एक क्लर्क है, एक ऐसे छह कुर्सियां हैं। अब यदि बॉस क्लर्क का काम करे तो प्रश्न ये, बॉस का काम कौन करेगा? बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? ऐसे ही ज्ञान शरीर का करे, राग का करे, ज्ञान पर को भोगे, तो ज्ञान का काम कौन करेगा? इसलिए प्रकृति में व्यवस्था है कि सब अपना अपना काम करते हैं, कर ही नहीं सकते, लेकिन जो ज्ञान ऐसा स्वरूप नहीं जानता वो ज्ञान अज्ञान है, डाकू है। ये है एक दृष्टांत याद आ रहा है, कहो तो दे दें और ना करो तो नहीं दें, वो ऐसे ही है थोड़ा सा, दे कि नहीं दे? धीरज जी बोलो हाँ या ना, ले लो, ठीक है ले लो। सुनो, चार दोस्त थे और पार्टी थी, तो एक शराब की बड़ी बोतल, उस शराब का था इसलिए मना कर रहे थे, वैसे अपन भी कम नहीं पी रहे, डाकू है वही ज्ञान वही शराबी है। तो पार्टी हो गई पूरी, एक व्यक्ति पार्टी के बाद घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, जैसे तैसे पत्नी ने दरवाजा खोला और सुला दिया। सुबह उठा वो, पत्नी बोली तुमने कितनी शराब पी थी रात में, इतनी तो तुमने आज तक है, कितनी शराब पी थी आज, कैसे नशे में थे? बोले सब बुरी संगत का असर है। मंगल सेन जी कौन कौन से क्या बोला, कौन कौन से बोला? वो पति पत्नी से बोला, क्या बोला? सब बुरी संगत का असर है। बोले कैसे? बोले दोस्त थे चार और बोतल थी एक, और तीन पीते नहीं थे, दृष्टांत मजबूरी है सिद्धांत जरूरी है, बुरी संगत का सर है सब। क्यों? तीन पीते नहीं थे अतुल जी, फिर कौन को पीनी पड़ी पूरी? हमको ही। तो बोले सब बुरी संगत का सर है। नोट करो, यहाँ जो शरीर है, जो आठ कर्म है और मोह राग देश है, पाप पुण्य के भाव, वो कुछ जानते नहीं है, और यहाँ जो जानने वाला ज्ञान है वो कहता है मैं ज्ञान हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही काला गोरा हूँ, मैं ही मोह रागी देसी हूँ, मैं इनको कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान
412 नंबर गाथा की टीका पढ़ना, लिखा है प्रज्ञा के अपराध से। सारा नाटक क्या है ये? प्रज्ञा मतलब ये वर्तता हुआ जो विशेष ज्ञान है जिसमें भेद विज्ञान नहीं है। कल रात में भेद विज्ञान की परिभाषा बताई थी, एक साथ बोलो अरविंद जी। रात में नहीं थे? रात में नहीं थे? क्या बात, रहस्य के विशेष ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। सिकंजी ने चार चार है कि एक है, अलग अलग है कि मिले हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं कि एक दूसरे का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे से अच्छे बुरे होते हैं कि शुद्ध सुरक्षित रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो ज्ञान है वो शरीर कर्म कषाय से मिला नहीं है। यहाँ भी चार की सिकंजी है ना, नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म और ज्ञान डायरेक्ट। तो मैं कौन हूँ चार में? ज्ञान। अकेला हूँ, असंग हूँ कि मिला हूँ, शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, मात्र ज्ञान करता हूँ कि शरीर कर्म कषाय करता हूँ, और इनसे शुद्ध होता हूँ कि अशुद्ध होता हूँ, इनसे निरपेक्ष सदा शुद्ध हूँ। क्या कहा? मिलता नहीं हूँ ना, ये रहस्य का विशेष ज्ञान, इसका नाम है भेद विज्ञान। और जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता हो गई। क्या शुद्धता हो गई? मैं अशुद्ध नहीं हूँ। ऐसी अज्ञानता मिटी, ऐसी भ्रांति टूटी और शुद्ध होने के सारे कार्यक्रम आज से समाप्त हो गए। क्या कहा? शुद्ध होना कि नहीं होना, लिख लो। शुद्ध होने का मिथ्या विकल्प मिट गया, इसका नाम है सम्यक चारित्र। क्या कहा? वजेशन जी कहा है? क्या था वो लाइन आपने पूछी थी पूजा में? हम बता दे रहे, हम बता दे रहे। सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, विशुद्ध सागर कौन है? अरे बोलो तो, क्यों विशुद्ध सागर हूँ? क्योंकि द्रव भाव नौ कर्म की अशुद्धि मेरे में आती नहीं है, ऐसा विशुद्ध सागर हूँ मैं। अनंति अनंत असंख्यात प्रदेशी विशुद्ध सागर। तो जिस ज्ञान ने जाना सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल्लवी हटती है, हटती नहीं है दृष्टि। अब विशेष ज्ञान में उपयोग बाहर भी जाता है तो भावना किसकी? भावना किसकी? कल दोपहर में दो लाइन सुनाई थी, खनी नहाने में सुनी थी पहली बार, और वहां पे जो चेतन भाग है सबने देखा है, लगभग देखा कि नहीं देखा? चेतन भाग वहां का तो देखा है। संगठन जी आपने नहीं देखा तो बोलो ना देखा है। तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े अंदर पेड़ लगे थे, अभी भी होंगे एक दो, लेकिन अब बहुत से हटा दिए। महुआ, महुआ का नाम सुना है? महुआ, महुआ का जैसे शराब बनती है, ऐसे वो फल गिरते हैं मौसम जब आता है तो इतना मीठा होता है। एक बार जो गाय बैल भैंस आ जाए खा ले तो बार बार वो लब की गाय गुलेंदे खाए, बार बार महुआ तन जाए। सब वो दोहा है। एक बार वो रथ लग गया, अब डंडे मारो भगाओ, लेकिन वो कहाँ आएगी? बार बार उस पेड़ के नीचे आएगी। लिख लो, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय, जिसे शुद्ध ज्ञान तत्व का, अविनाशी ज्ञान तत्व का, परिपूर्ण ज्ञान तत्व का, अशरीरी ज्ञान तत्व का, अधिकारी ज्ञान तत्व का, अपरिणामी ज्ञान तत्व का, अब दोबारा बोल रहे हैं नोट करना, असंयोगी ज्ञान तत्व का, अशरीरी ज्ञान तत्व का, निष्कर्म ज्ञान तत्व का, अविकारी ज्ञान तत्व का, कितने चीजों का निषेध हो गया? सारे संयोग, शरीर, कर्म और कषाय, चार का निषेध हो गया। और अंतिम अपरिणामी ज्ञान तत्व का, अब इसमें सारी पर्याय का,
अभेद ज्ञान तत्व का गुण कल्पित। कितने वाक्य बोले, बोलो दीपक जी, पहले आगे आओ, आगे आओ, पहले जल्दी, बहुत दिल हो गए, सबसे आगे आओ, बिल्कुल मनोज जी के भी आगे, खाली हाथ है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो पीछे तो पीछे ही रहता है। पहला असंग आत्मा की चर्चा चल रही है, विशेष विषयांतर नहीं है, मैं कहता हूं असंग, और जिसे असंग का अनुभव होता है उसे सब संग भिन्न दिखता है, और संग में कितनी चीजें बता रहे हैं, संयोग क्या है, ये संग, शरीर क्या है, संग, विकार कर्म क्या है, संग, विकार क्या है, संग, बराबर, पर्याय क्या है जानने वाली, संग, और गुण क्या है, संग, और मैं कौन हूं, असंग। बात समझ में आई? अब इसके उस नास्ती से पांच बोल छह बोल बन रहे हैं, कैसे, मैं असंयोगी ज्ञायक हूं, बोलो, आज अंतिम प्रवचन है तो पूरी ताकत लगाना पड़ेगी, मैं असंयोगी ज्ञायक हूं, असंयोगी ये निषेध किया और ये ठीक, असंयोगी ज्ञायक हूं, मैं अशरीरी ज्ञायक हूं, बोलो, मैं निष्कर्म ज्ञायक हूं, मैं अविकारी ज्ञायक हूं, अविकारी ज्ञायक मतलब अज्ञानी नहीं हूं, मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, कसाई नहीं हूं, सबका निश्चित हो गया सारे विकार का। मैं अपरिणामी ज्ञायक हूं और मैं अभेद ज्ञायक हूं, सब विशेषण हटा लो, बस मैं ज्ञायक हूं। अभेद ज्ञायक हूं, और ये लास्ट बोला है, और उसके लास्ट सेकंड लास्ट था अपरिणामी ज्ञायक हूं, तो उसमें जो परिणाम है उसका निषेध हो गया, और अभेद कहने में सारे गुणों का निषेध हो गया। और कितने दिख रहे हैं, और जब एक दिखेगा एकाग्र भावना बस, और जो जो ऐसा जाने आत्म को वो आनंद को प्राप्त हो, लिख लो, शरीर वाला देखोगे एक क्षण भी शरीर का विकल्प नहीं मिटेगा, शरीर वाला हूं ना, काला हूं, गोरा हूं, ठंडा हूं, गर्म हूं, मोटा हूं, पतला हूं, बीपी हाई लो, शुगर अप डाउन नहीं होगा, देख लो आप, एक सेकंड भी विकल्पों में भला ही ना देखे, लेकिन अंदर वासना में तो मैं रहा है, द्रवलिंगी मुद्राज को भी चल रहा है, तब तो अनंत पाप चल रहा है, मिच्छा इट्ठी पाप जीवा, मोहम्मद साहब, मिथ्या दृष्टि पाप जीव ही है, द्रवलिंगी मुनराज को पुण्य नहीं होता, क्या कहा, क्या कहा, जब हो गया वो एक आठ अंग की कथा है ना, वो चोर, वो ब्रह्मचारी बनकर प्रथमत छत्र चुराने आ गए थे, जिंदत सेठ, जिन भक्त सेठ, लेकिन वो चोर था ना, चोर बोलो, वो भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्तांबर पढ़ रहा है, पूरे श्लोक याद कर लिए, और ऐसी पूजा कर रहा है, आप क्या करोगे, बोलो कितने परसेंट पुण्य हो रहा है, नोट करो, जो ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में नहीं लगा वो पाप है, बोलो एक साथ, और जो ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में लगा वो ही पुण्य है, एक ही पुण्य है, एक ही पाप है, एक ही पुण्य है, ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में लगा, ये क्या है, ये पुण्य है,
और ज्ञान ज्ञायक का निर्णय करके मस्त हो गया। रात में भजन था, वो आप गा रहे थे, मस्तों की दुनिया में मैं मस्त। तू धर्म की चर्चा चल रही है, वो ज्ञान धर्मी को जानकर कैसा हो गया, मस्त हो गया। क्यों मस्त हो गया? अशरीरी हूँ, असंयोगी हूँ, निष्कर्म हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, पर से कुछ भी खत्म, मस्त हो गया। नोट कर लो सिद्धांत, जो पर और पराए होते हैं उनकी चिंता नहीं होती। क्या कहा? बोलो पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, भूखा मर रहा है, कितनी चिंता? बोल दो, सिद्धांत है। देवरानी जेठानी के बच्चे हैं, फेल हो गए, कुछ भी हो गया, कितनी चिंता? चिंता भले तुम दिखा लोगे, अरे भैया, अरे भैया, लेकिन चिंता बोलो कितनी है। नोट कर लो, यदि आपको रागादि मिटाने की चिंता है तो आप रागादि को स्वयं जानते हो। क्या कहा? यदि आपको सम्यक दर्शन प्रकट करने की बहुत आकुलता है, चिंता है जल्दी हो जाए, तो तुम सम्यक दर्शन को स्वयं जानते हो। क्या कहा? और आज तो अंतिम है, कह लेना कुछ भी। समझ ना आया भैया आपको? कर लो, आप कर लो, हमें क्या, हमारा श्रोता तो नहीं कर रहे। क्या कहा? यदि रागादि की चिंता है तो रागादि को स्वयं जानते हो, स्वयं जानते हो, सिद्धांत है। तो ये सब निर्णय की चर्चाएं हैं, क्रिया परिणाम की नहीं। तीसरा कलश ये कहेगा, ओहो, क्या कहेगा? खटकती है रागादि परिणति विकारी, वो भी कह रहे हैं, तो वो नहीं कह रहे हैं, वो कसाय बुलवा रही है। क्या कहा? तो सब नाटक वहां का है। वो कहाँ गए अक्षत? कहाँ है अक्षत? कहाँ गया? अच्छा, कल पूछ रहा था वो प्रश्न आया था, पूछ रहा था, हम जब ज्ञाय कही है तो ये सब नाटक क्यों हो रहे हैं? तो उत्तर दिया कि आज तक ज्ञायक नहीं जाना था, कर्म बंधे हैं, कर्म के उदय में है, और अब फिर ज्ञायक नहीं जानोगे, कर्म बनते रहेंगे, और आज ज्ञायक जानो, कर्म नहीं बनेंगे, सारे नाटक भी मिट जाए। समय सार में नाटक नहीं है, नाटक में समय सार नहीं है। तुम समय सार देखोगे, नाटक नहीं देखेगा, जो नाटक दिख रहा है वो नाटक भी मिट जाएगा। पहेलियां चल रही हैं आज, अध्यात्म की पहेलियां सुलझाना पड़ेंगी, सुलझाना पड़ेंगी। इस पर लेट हो गए, ज्ञायक को स्पर्श करो। संग और असंग, असंगतता के द्वारा सबको जीत लिया। लाइन क्या कह रही है? असंग स्वरूप दिखा, सबको जीत लिया। सबको मतलब संयोग को, शरीर को, कर्म को, कसाय को, परिणाम को, गुणों को। पहला बोलो, संयोग तुम्हारे है, संयोग में तुम्हारी चलती है, निर्णय चलती है, खत्म आज से। शरीर तुम हो, जोर से बोलते जाओ, शरीर में तुम्हारी चलती है, पेट दर्द को रोक सकते हो, बाल सफेद होने से रोक सकते हो, केवल रवि किरणों की पूजा गा सकते हो। दीपक जी बोले, हम तो गाते ही नहीं है, गा सकते हो बराबर, निर्णय। ये क्या है? ये निर्णय। विकार तुम हो, मोहराग देश तुम हो, करता हो, भोगता हो, इससे अच्छे होते हो कि बुरे होते हो? कदम निर्णय में वही राग देश नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। तुम परिणाम हो,
परिणाम परिणम जाता है और मैं तो यूं कहीं रहता। परिणाम से कोई नोट कर लो, जानने वाले परिणाम से भी कोई संबंध नहीं। मनोज जी नोट करना, तत्वार्थ सूत्र जी की टीका है, तत्वार्थ सार इन्हीं अमृतचंद आचार्य देव ने लिखी है। क्या नाम है उस टीका में? उन्होंने लिखा लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। नोट कर लेना, अंतिम ये अज्ञान के ताबूत में अंतिम कील है। क्या कहा? क्योंकि गुण तो अभेद है, ठीक है वो भी चर्चा आएगी, लेकिन ये पर्याय वाली अंतिम कील। मैं करने वाला कि जानने वाला? जोर से बोलो, लिखो, जानने वाला भी नहीं। मोए नशे जब जाने जानन हार है। दीपक ये लाइन कहाँ लिखी? इसलिए तो आगे बुलाया है आज। मोए नशे जब जाने जानन हार है, रोज पढ़ रहे हो अष्टांगा की पूजा के ही दीप के छंद में लिखी। जड़ दीपक नहीं मोए, आपके नाम लिखा है पंडित साहब ने, जड़ दीपक नहीं मोए नसावन हार है, मोए नसे जब जाने जानन हार है। करने वाला कि जानने वाला? जोर से बोलो, जानन हार। एक मोती और हार अंतर है कि नहीं? अरे बोलो। तो लक्षण और लक्ष्य में महान अंतर है। कितना अंतर? महान अंतर। किसमें? ज्ञायक और ज्ञान में। लक्षण है ज्ञान और लक्ष्य है ज्ञायक, तो दोनों में कितना अंतर है? अनिल जी की आंखें डबडबा रही है, खुलती हैं। कितना अंतर है लिख लो। भावेंद्री विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहे, जो सहज ज्ञान लक्षण है, उपयोग लक्षण, इसमें भी चक्कर है। विशेष ज्ञान अलग है और सहज ज्ञान अलग है। विशेष ज्ञान ज्ञानवर्णी कर्म के सब नाटक से गड़बड़ होता है, लेकिन सहज ज्ञान नहीं। वो सिद्धों में भी है, निबोधिया में भी है, तुम में भी है, खाते भी है, पीते भी है, अज्ञान दशा में भी है, सज्ञा सम्य ज्ञान दशा में भी है। कह देते हैं वो अलग बात है, अभी जो हम बोल रहे हैं पहले आप वो सुनिए, बड़ी अलग चर्चा। बात समझ में आई? ज्ञान और ज्ञायक में कितना अंतर है? अमन क्यों महान अंतर है बताओ। चर्चा एकदम सरल है, उपयोग को भी सरल रखो, बिल्कुल ज्यादा खींचतान मत करो, वो वहां से बात निकल आएगी। ज्ञान और ज्ञायक में महान अंतर है, पूरब पश्चिम जितना अंतर है। कैसे? न्याय चाहिए ना, युक्ति चाहिए, सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान गुण है और ज्ञायक द्रव्य है, एक उत्तर आया है। दूसरा, वो अंश है और वो अंशी है, दूसरा उत्तर। तीसरा, ज्ञान विशेष है, ज्ञायक सामान्य है, तीसरा उत्तर। अच्छा है, उत्तर अच्छे आ रहे हैं। अनिल जी एक आध उत्तर आप दो। सूक्ष्म ज्ञान की तो बात ही नहीं कर रहे, तो बात ही खत्म हो गई। ज्ञानवर्णी कर्म के छोपसम से जो छायोपसमी ज्ञान है, वो तो भावेंद्री खंड खंड अलग हटा दिया उसे तो। चलिए सब उत्तर है, लेकिन जो अब हम बोल रहे हैं वो व्यवस्थित नोट करना। ज्ञान जो सहज ज्ञान है वो गुण नहीं है, वो ज्ञान गुण की वर्तती हुई पर्याय है, वो व्यक्त है। क्या कहा? जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और जानना उपयोग लक्षण, ये व्यक्त पर्याय है। कलश नंबर 42 पढ़ना, ये प्रकट है,
लक्षण वो जो 47 शक्तियों की पहले की चर्चा है, लक्षण लक्ष्य प्रसिद्ध प्रसाद प्रसिद्ध अत्मान, उसको पढ़ना, ठीक है। तो ज्ञान प्रकट है, वो एक ज्ञान गुण की पर्याय है, और ज्ञायक अव्यक्त है। क्या है, कैसा है? अव्यक्त है। जानना वो ज्ञान गुण की पर्याय है, अंश का भी अंश है। क्या कहा अनिल जी, क्लियर? अंश है। और ज्ञायक तो अनंत गुणों को पिए बैठा चैतन्य चक्रवर्ती सम्राट है। क्या समझ में आई? तुम्हारी बात चल रही है? तुम हो, समयसार हो, अभेद हो, परिपूर्ण हो, अनादि अनंत हो, ज्ञान सागर हो, नहीं विद्या सागर हो, कौन? चक्रवर्ती की 9 निधि, तुम्हारी निधियों का तो पार नहीं है, उनके 14 रत्न, तुम तो रत्नाकर। अरे जीव तू अपना स्वरूप ध्यान से सुन तो जरा, समझा रहे समझ तो जरा, निर्णय करा रहे निर्णय कर तो जरा, और निर्णय करोगे तो आनंद आएगा। 3 चीज हम करा रहे हैं, 1 चीज आप करो। अब आपने इतने मेहनत से भोजन बनाया तो ये तो बोलोगे भैया जी करो, और हम क्या नहीं करना, तो कितनी गुस्सा आएगी? धीरज जी बहुत गुस्सा आ रही है। ज्ञान का भोजन है, वेद विज्ञान का भोजन है, अमृत है ही अमृत भोज। प्रवचन सभा मतलब अमृत भोज है ये। लक्षण और लक्ष्य में बोलो क्यों महान अंतर है? ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ये व्यक्त है, ये अव्यक्त है, ये मात्र ज्ञान गुण की पर्याय है, और वो अनंत गुणों का सम्राट अभेद अनादि अनंत ज्ञायक है। ये लक्षण है, ये लक्ष्य है, ये इसको प्रसिद्ध करता है। नोट कर लो, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, मिठास शक्कर को प्रसिद्ध करती है। नीचे सफेद चप्पल रखी है, क्या कहा? अनाथभूत लक्षण भी प्रसिद्ध कर देता है। कल दोपहर की बात है, कल पानी गिरा तो हमें पीछे से आ गए, वहाँ दिक्कत थी वहाँ पे कुछ, कल वो देह परिवर्तन हो गया गली में, तो हम यहाँ से आ गए पीछे से। तो विवेक जी नीचे रुक गए, क्यों रुक गए नीचे? बोले भैया तो है नहीं है। कैसे नहीं है? बोले उनकी चप्पल नहीं है। क्या कहा? गजब है। धुआं है मतलब अग्नि है, हालांकि धुआं अनात्मभूत लक्षण है, आत्मभूत लक्षण नहीं है, बराबर। तो यहाँ जानना 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 है, तो जो जानना है वो किसको प्रसिद्ध कर रहा है? बोलो, ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है। ये प्रसिद्ध है, वो अप्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ज्ञान से अप्रसिद्ध ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। क्या कहा? लेकिन इस प्रसिद्ध ज्ञान की बहुत चर्चा चाहिए, अभी कम चली है। कल वो दर्पण का दृष्टान दिया था ना, वो पंखा कहाँ चल रहा है? बस ऐसे ही मेरे ज्ञान पर्याय में भी कुछ नहीं चल रहा। जब ज्ञान पर्याय में कुछ नहीं चल रहा, ऐसा निर्णय हुआ, तो ज्ञायक तो फिर ज्ञायक है। ऐसी गजब की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार है, देखी सुनी होगी, अरे न्यूज में देखी होगी कभी,
उसकी कार की बहुत सारी विशेषता है, अभी कार की विशेषता नहीं बता रहे, उसके पहिए की विशेषता बता रहे हैं। सब जी नोट करना, तो जब पहिया ऐसा है तो कार कैसी होगी, वो आनंद आ जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, पहले एक दृष्टांत और दूसरा दे रहे हैं, फिर वो उसका देंगे। ऐसी बिल्कुल पतली गली है, गली बोलते हैं अपने यहाँ तो, गली बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोलते हैं गली। तो आप चले जा रहे हो, बिल्कुल पतली गली है मस्ती में, और गुनगुनाते चले जा रहे हो, बढ़िया यही गाता है। तो अचानक ऐसा लगा कोई है, एक छोटा सा बालक, आप है 45 साल के और वो है समझ लो 10-12 साल का बालक, एकदम आप लोग एकदम। तो बालक एकदम सामने आ गया और बोला, बाजू हट। कौन से बोल रहा है? और आप बढ़िया हेल्दी। तो आप लोग ये मरियल सा क्या बोल रहा है? बाजू हट। तो आप एकदम चौंके, क्या बात है? तो पीछे देखा तो उसके पहलवान पिताजी चले आ रहे। तो देख के एकदम बराबर। अभी सुनो, आपने पिताजी को नहीं देख पाया और वो बोला बाजू हट, पहलवान का लड़का है, खाता पीता, आप तो पत्नी दाल पीते हो, खाता पीता। तो आप बोले हे क्या बोलता है? तो उसने एक ऐसी कोई मोटी चीज थी, उसने ऐसा किया एकदम, वो टूट गया। अब क्या होगा? जब इसमें इतनी ताकत है छोटे से में, पिता में कितनी ताकत होगी? लिख लो, ऐसे ही अनादि काल से प्रकट ज्ञान स्वभाव, वो शरीर कर्म का सहाय रूप नहीं हुआ, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब इसका नहीं बिगाड़ पाया तो ज्ञायक की तो आती है, मेरी पर्याय ऐसी मजबूत है ज्ञान स्वभाव। इसमें लिखा है भी कैसा है ज्ञान स्वभाव, लाइन है आगे, उपयोग लक्षण, उससे जीव की सत्ता प्रसिद्ध होती है, प्रसिद्ध होती है। यदि शक्कर में से मिठास पर्याय हटा दें, बोलो क्या वैल्यू है? साइंस से हट नहीं सकती, लेकिन हटा दी जाए तो क्या होगा? ऐसे लिख लो, प्रकट ज्ञान स्वभाव यदि हट जाए, मिट जाए, तो जीव की सत्ता का नाश हो जाए, सिद्धि कैसे होगी? अपनी पर्याय को हम नहीं जानते। अपनी पर्याय कौन सी है? ज्ञान। कम ज्ञान की ज्यादा ज्ञान? बोलो, स्वयं को जानने वाला ज्ञान की पर को जानने वाला ज्ञान? लिख लो, ये स्वयं को जानने वाला ज्ञान, पर को जानने वाला ज्ञान, ये मेरा स्वरूप नहीं है। सम्यक ज्ञान अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। अब इनमें कुछ भी हो टेंशन, बोलो खत्म। जो समझेगा वो पाएगा। सत्य नहीं खोया, सत्य की खोज खोई है। स्वरूप तो है, स्वरूप तो है, बराबर। वो राष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी जो गाड़ी का पहिया है ना, वो कैसा है? एक बार आया था पेपर में, पढ़ोगे तो जानोगे। पेपर भी नहीं पढ़ते ढंग से तो इसकी तो बात ही नहीं है। पेपर में भी 2-3 न्यूज देख लोगे, मार्केट की देख लोगे, ये तो क्रिकेट की देख लोगे, मतलब ऐसे ही है। तो उसमें लिखा था जो पहिया है वो इस स्टील का बना है इस तरह के कि कुछ भी हो जाए, कैसे ही बम ब्लास्ट हो जाए उस पहिए में, तो गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। और उसके ऊपर जो दूसरी चीजें हैं, और चीजें हैं, वो भी ऐसी है कि उनमें पूरी ब्लड प्रूफ है, बम रोधी है, कुछ नहीं होगा। कदाचित उनमें भी कुछ हो जाए तो वो जो उसका स्टील है वो इस तरह का है, उसमें कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत पहिया है।
तो जब जिसका पहिया इतना मजबूत है तो गाड़ी ऐसे ही, जब ज्ञान ने जाना कि मेरी पर्याय ऐसी मजबूत है जिसे द्रव भाव नो कर्म छू नहीं सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो ज्ञान सबके बारे में टेंशन फ्री हो गई। ये धर्म है, क्या समझ में आई? लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है, और लक्षण किसको प्रसिद्ध करता है? लक्ष्य को। मैं कौन हूं? नहीं ज्ञान, ज्ञान नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान में गायक झांक रहा है, सूर्य की किरण में कौन झांक रहा है? कि अपने को ज्ञान चाहिए, व्यवस्थित ज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान की तीसरी परिभाषा दो पहले बता चुके, पहली कौन सी थी? जिस ज्ञान में सिर्फ ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है उसे भेद विज्ञान कहते हैं, ये पहली थी। दूसरी कल और अभी सुबह बताई है रहस्य का विशेष ज्ञान, सारे वो बताए थे पांच छह, सबसे भेद विज्ञान रहस्य, इनके बीच में मैं असंग हूं, ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा, वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। एक साथ बोलो अब्दुल भाई, दूसरी परिभाषा बोलो, मतलब भैया को नकल कराओगे वो कमजोर रह जाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने। पहली परिभाषा, जिस ज्ञान में सिर्फ मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव होता है, दोनों चीजें ले रहे हैं, क्योंकि पहले निर्णय होता है, अनुभूति बाद में होती है, तो फल आएगा। निर्णय यत्न साध्य है, लिख लो, निर्विकल्प अनुभूति सहज साध्य है। क्या कहा? निर्णय करना पड़ता है, निर्णय पुरुषार्थ है, और निर्विकल्प अनुभूति चौथा गुण स्थान वो फल है, सहज साध्य है, वो करने से नहीं होता। पंचम गुण स्थान करने से नहीं होता, श्रेणी करने से नहीं होती, अरण सिद्ध अवस्था करने से नहीं होती। निर्णय के वो सब प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट फल है, और निर्णय सही नहीं होगा तो वो कभी कभी नहीं होगी, कभी नहीं, बराबर। इसका विस्तार नहीं कर रहे, क्या बोल रहे थे इसके पहले? भेद विज्ञान की परिभाषा, जिस ज्ञान में सिर्फ मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय और अनुभव होता है, तो दोनों चीजें ले ली उसमें। दूसरी परिभाषा, रहस्य के संयोग है लेकिन मैं संयोगी हूं, रहस्य का विशेष ज्ञान। परिणाम परिणम रहे हैं लेकिन मैं अपरिणामी हूं। मोह राग देश है लेकिन मैं मोही रागी देशी, रहस्य का विशेष ज्ञान। क्या है ये? भेद विज्ञान। नोट करो, गुण अनंत है लेकिन मैं एक हूं। क्या कहा? मैं कितना हूं? निषेध हो गया अनंत गुणों का। मैं कितना हूं? एक। मैं एकाकी एकत्व लिए, नहीं, जब एक दिखता है तो विकल्प की निर्विकल्पता, दृष्टांत नोट करो, मजबूत हो जाएगा ना। जैसे आप सम्मेद शिखर जी अकेले गए ट्रेन में बैठे, कौन सी ट्रेन जाती है यहाँ से? कौन सी जाती है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष मतलब आत्मा और उसमें उत्तम मतलब शुद्ध आत्मा, नहीं है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आप बैठे, ठीक है, और भोजन का टाइम हो गया, तो क्या विकल्प आएगा? उन्हें बुला लो, टिफिन खोलने के पहले क्या विकल्प आएगा? उन्हें और बुला लो, विकल्प आएगा? क्यों नहीं आएगा? अकेले ही
बस समझ आ गई, शिखर जी पहुंच गए, अब सुबह उठना है, जल्दी उठ जाना, किसको जल्दी चलो, किसको पीछे मुड़ के देखोगे कहाँ रह गई, मतलब विकल्प आएगा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो लिख लो एक के निर्णय में विकल्प नहीं होता, एक का निर्णय नहीं होता तो अनंत विकल्प होते ही होते हैं, ये निर्विकल्प होने की रीति है, ये निर्णय पूर्वक निर्विकल्पता है, ये सविकल्प ज्ञान में निर्विकल्पता है, ये पहले स्थान में निर्विकल्पता है। तीन चार वाक्य बोल दिए, शांतनु बोलो क्या हो गया, ये एक के निर्णय पूर्वक निर्विकल्पता है, ये निर्णय की निर्विकल्पता है, ये सविकल्प ज्ञान में निर्विकल्पता है, ये पहले स्थान में निर्विकल्पता है, और यही निर्विकल्पता चौथे निर्विकल्पता की कारण है और एकमात्र कारण, दूसरा कोई तंत्र मंत्र प्रतोपास अणुव्रत महाव्रत और नोट कर लो पर लक्षी ज्ञान भी कारण नहीं है। क्या कहा, अकेले क्रिया परिणाम का निषेध नहीं कर रहे, विशुद्ध परिणाम का, पर लक्षी ज्ञान मतलब गुण भेद वाला अपने को जानने वाला ज्ञान भी वो कारण नहीं है। सर जी नोट करने जो चर्चा आज की है, चर्चा व्यवस्थित चाहिए ज्ञान में, अमन ये पियोगे तो पिला पाओगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, और नहीं तो खत्म है मेरा जीवन खत्म। खत्म है, श्रीमद जी लिखा है तदपि कजुहात हजू न पयो, उनने हिंदी में एक रचना लिखी है श्रीमद जी ने, यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाय लियो मुख मौन रहो, ऐसे सब लिस्ट है पूरी, नय निक्षेप प्रमाण अंतर में धार हिए, सब लिखा है ऐसा, तदपि कछुहात गलती कितनी है, जो आज चर्चा चल रही है वो अभेद गायक का निर्णय ना होना, एक ही गलती है, एक ही कमी है, एक ही पाप है, एक ही अपराध है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। विकास जी गलती कितनी दूर करना है, पाप कितने मिटाना है, सबसे बड़ी कसाई का नाम बोलो अज्ञान। क्या कहा, कसाय की परिभाषा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं, सबसे बड़ा परिणाम कसने वाला कौन है, अज्ञान। शराबी वही वही डाकू, कहां समझ आ रही है, तुम ये खाने पीने के भाव की कसाय मिटाना चाहते हो, कब मिटेगी, एक दृष्टांत याद आ रहा है, पुराने विद्वान देते थे, पुराने विद्वान, ये सभा है पूरी दस लक्षण है, बच्चे भी आए और बच्चे शोर कर रहे हैं, अब बार बार कोई बोले बच्चों को हटाओ बच्चों को भगाओ बच्चे शांत रहो, वो लोग कब शांत हो जाएंगे, तो बच्चों को शांत करने के लिए जैन साहब क्या करें, एक बच्चा शैतान है, उस शैतान बच्चे को भगाने के लिए क्या करे, उसकी मम्मी को उठाकर बाहर कर दे। ऐसे ही अज्ञान मिटता है तो मिथ्यात्व और कसाय तो उत्पन्न ही नहीं होते, श्रद्धा और चारित्र तो है ऐसी नाव, आगे बोलो, श्रद्धा और चारित्र तो है ऐसी नाव बहती है वहां जहां हो ज्ञान का बहाव,
अज्ञान होता है तो मिथ्या दर्शन मिथ्या चायत्र की ना होती है, वहीं रहती है। और जब भैरवी ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन सम्यक चायत्र होता है। दो चीजें है ही नहीं तो चीजें नहीं है। उपयोग को सूक्ष्म करो, सावधान करो, दो चीजें नहीं बराबर। लक्षण और लक्षण है बाल, वो पहिया इतना मजबूत है तो गाड़ी, एक रतन अनमोल है तो वो सम्यक दर्शन के लिए गीत बनाया गया है। जब मेरी पर्याय ऐसी है तो पर्यायवान, पर ऐसा निर्णय करके ज्ञान मत हो जाता है। ये है विधि। लिख लो, 12वें स्थान तक आत्मा दिखता नहीं है। क्या कहा? द्रव गुण पर्याय दिखते नहीं है, कुछ नहीं दिखता। आगम से युक्ति से वस्तु का निर्णय होता है। वो गुणस्थान मस्ती बढ़ती जाती है, कर्म कटते जाते हैं। ये विधि है। बहुत बड़ी बात बोलिए। और हम आत्मा को ऐसा देखना चाह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, शुद्ध देखना चाह रहे हैं। और शुद्ध भी कैसा? कि सारे मोह राग द्वेष मिट जाए तब शुद्ध देखेंगे। क्या कहा? जैसे लोग कहते हैं ना, भैया घर में धर्म नहीं हो सकता, जब तक ये पति हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तब तक धर्म नहीं हो सकता। ऐसा है अनिल जी? नोट करो। है पहले गुणस्थान में क्रिया चाहते हैं छठे गुणस्थान जैसी, और परिणाम चाहते हैं 13वें गुणस्थान जैसी। क्या कहा? है पहले में तत्व निर्णय करता नहीं है, भेद विज्ञान करता नहीं है, और क्रिया कैसी चाहता है? एकदम ऐसी हो, निर्दोष, ऐसा ऐसा ऐसा, एकदम ऐसा। और जब हम पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, तो एक भी विकल्प नहीं आए। तुझे पता है 8वें 9वें गुण स्थान में ही विकल्प होते हैं। क्या कहा? ये से ज्ञान तक परिणति होती है, द्रव गुण पर्याय का विकल्प होता है, पता है? इसलिए तो बोल रहे साथ चलो। समझ में आ रहा है? छठे गुण स्थान तो साक्षात विकल्प का ही है, 28 मूल गुण के विकल्प। एकाग्र भावना जगती है मजसेन जी, ये विकल्प है, विकल्प बराबर। ये गलती हो रही है, पहले गुण स्थान में सब होने पर भी सबको गौण करके असंग ज्ञायक को देखना, ये पुरुषार्थ है। और इससे फिर वो दर्शन मोह की चट्टान कमजोर पड़ती है, अनंतानुबंधी की फिर टूटती है, फिर कालांतर में रत्नत्रय प्रकट होते हैं, क्षणवर निजरस को पीछे तक। और वो अनुभूति और निर्विकल्प अवस्था भी कितनी है, कितनी देर की, क्या कहे? एक मिनट की भी कह दो तो बहुत बड़ी बात है, 30 सेकंड की कह दो बहुत बड़ी बात है, वो छूट जाती है। और हम चाह रहे हैं आधे घंटे निर्विकल्प रहे। बोलो आप, पंचम गुण स्थान में भी 15 दिन में कभी अनुभूति होती है। क्या कहा? कभी, वो भी कितनी देर की। और हम पहले गुण स्थान में चाह रहे हैं सिद्धों जैसी निर्विकल्प अनुभूति। न तुम्हें आगम की खबर, न अध्यात्म की खबर। अज्ञानी ना आगमी है ना अध्यात्मी है। बनारसी दास जी ने लिखा है परमार्थ वचनिका में, मोक्षवाद प्रकाश में, क्योंकि छपी है पढ़ना, शुद्ध व्यवहार शुद्ध निश्चय सब लिखे। अनिल जी कभी बुलाना, कौन सा बिहार है आपका? भैया बिहार तो नहीं है, ठीक है फिर। चीजें हैं, रहस्य है सारा, मवाल है।
असंग शब्द का अर्थ किया है आज यहाँ से जो शब्द था, क्योंकि वो तो पढ़ने में तो जो शब्द आएगा वो वहीं से है बात। मैं कैसा हूँ, जोर से बोलो, असंग हूँ, भीड़ में अकेला। महात्मा गांधी कोलकाता के एयरपोर्ट पर प्लेन से उतर रहे हैं और हजारों की भीड़, बापू अमर रहे, महात्मा गांधी की जय हो, ऐसे। और उनके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बोलो, वो भीड़ की जय जयकार का आनंद ले रहे हैं कि दर्द के दुख को भोग रहे हैं? बात समझ में आई? सदा अकेला, कोई संबंध नहीं है, दुकान मकान पत्नी बच्चे बहुत हो, जय जयकार हो, श्रोता बहुत हो, और अमित भैया की जय, मतलब उससे सम्यक दर्शन का, भेद विज्ञान का, धर्म का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान में असंग है तो धर्म है, और ज्ञान में संग है तो निगोद है। क्या कहा? ज्ञान में अपना सामान है या सामान्य तत्व है? सामान्य शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैं जीद्रव, अनंत गुणमयी, असंख्यात प्रदेशी और ज्ञान स्वभाव, ये सब भेद से समझना, ये मेरा सामान है। ये समझना पड़ेगा, ये सामान अपना है ज्ञान में, और वो सामान कैसा है? चोर चुरा नहीं सकते, दर्शन वो डाका डाल नहीं सकता, कसा उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है। क्या कहा? अज्ञान ने भी आज तक उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ऐसा मेरा सामान है। अब कौन सा टेंशन? बस रियल लाइफ का रियल आनंद, इसका नाम है धर्म, और रियल लाइफ का टेंशन, इसका नाम है अधर्म। चांदनी, ये चारों गति में हो सकता कि नहीं हो सकता? अभी हो सकता कि नहीं हो सकता? पूरा कि अधूरा? पूरे का पूरा निर्णय करो तो पूरे ही पूरा है, पूरे ही पूरा है, बराबर। इसमें एक गिये गया एक शंकर दोष की चर्चा है, शब्द है एक विशेष गिये गया एक शंकर दोष क्या है? इधर देखो, अभी सामान्य बिल्कुल, ज्ञान में गे देखना और टेंशन में रहना, ये गे गया शंकर दोष है। दर्पण में कौन है? और दर्पण में सुअर है, दर्पण खराब हो गया, दर्पण को साफ करो, दर्पण को धो, सुअर को बाहर निकालो, क्या है ये? गे गया शंकर दोष। और दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता ही है, दर्पण ही है। लिख लो, ज्ञान में गे है कि गे आकार है? जल्दी बोलो। एक उत्तर तो आया थोड़ा वजनदार, ज्ञान में गे है कि गे आकार है? सुनो, जब गे का निषेध करते हैं तो गे आकार कहते हैं, जब गे आकार का निषेध करते हैं तो ज्ञानाकार कहते हैं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। क्या कहा? 2-3 मिनट बचे, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। ज्ञान तो ज्ञान, मैं ज्ञान हूं, चेतना की चेतना, क्या दो चेतना है? निषेध किया है स्टेटिका वाली गाथाओं में, जो कुछ कहेंगे यहीं से कहेंगे, विदिशा से कुछ नहीं लाए। अनिल जी विश्वास करना, सब यही है, मैं तो ज्ञान हूं। और सुनना, ये गिये गया एक शंकर दोष बता रहे हैं ना, तो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं, ज्ञायक हूं। कौन हूं मैं? ज्ञायक। ज्ञायक मतलब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। ये गया एक शंकर दोष क्लियर हो गया संक्षेप में। अब आगे एक शब्द लिखा है, कैसा है ज्ञान स्वभाव, शब्द है, कैसा है ज्ञान स्वभाव? देखो क्या लिखा है, विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ। अब क्या करें, मजबूरी है, ज्ञान से ही बताना पड़ेगा बार बार, और कोई उपाय है नहीं। कैसा है ज्ञान स्वभाव, कैसा है विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ, तिरते का भाव,
उन्हें जानता हुआ भी अनुरूप नहीं होता। ज्ञान में शरीर कर्म पत्नी बच्चे मोह राग देश पाप पुण्य झलक रहे हैं, लेकिन अनुरूप हो गया नहीं हुआ, कोई संबंध बना नहीं। ये अभी सबकी व्याख्या चाहिए, अच्छी करना घुटाई चर्चा करना। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, शब्द क्या है? प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में, जब अंदर देखते हैं तो क्या देखता है? अंधेरा, राग द्वेष, विकल, पता नहीं कहां से आते हैं, अंदर से ही आते हैं, पागलपन है। क्या लिखा है? एक एक शब्द पे चर्चा चाहिए ने? या तो हमें यहां रख लो या विदिशा चलो। जैन साहब क्या करना है? आना तो करो कुछ, भैया आपके साथ ही चलेंगे, नहीं तो साहब कौन ठहराएगा, कौन भोजन कराएगा? क्या नवीन चलो हमारे साथ चलो। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। देखो ये ज्ञान की पर्याय के विशेषण है सारे। क्या कहा? किसके? आगे देखो क्या लिखा है, अविनश्वर। ऋषभ नोट करना, ज्ञान की पर्याय है ना, वो भी पारिणामिक भाव है, क्योंकि वो चार भावों से निरपेक्ष है, कर्म के उदय उपशम से निरपेक्ष है, प्रकट ज्ञान स्वभाव। उपयोग क्या है? स्वभाव है कि विभाव है? बराबर स्वभाव। उपयोग उपयोग है, और सुनो नई बात, उपयोग उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, मैं उपयोगवान हूँ, मैं उपयोग नहीं हूँ, इसलिए तो बोल रहे हैं चलो। चलेंगे नहीं, हमारा टिकट भी बनवाओ और ट्रेन व्रेन से नहीं बनवाना। हाँ पिछली बार बोल रहे थे नवीन जी बहुत तेज। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर, कौन है ये लिख लो? मेरा ज्ञान अविनश्वर है, अनंत गुण अविनश्वर है, और ज्ञायक भी अविनश्वर है। मेरा जो कुछ है सब अविनश्वर है। अब इसको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे, सिर्फ शब्द शब्द आ रहे हैं अभी, उसको आप कर ला। स्वतः सिद्ध कैसा है बोलो? द्रव किसने बनाया, गुण किसने बनाए, प्रदेश किसने बनाए, और उपयोग लक्षण जानन जानन किसने बनाया? स्वतः सिद्ध, अनादि सिद्ध, शाश्वत सिद्ध, अकृत्रिम सिद्ध, स्वतः सिद्ध, और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। विशेषण क्या दिया? भगवान। अब इस शब्द की व्याख्या के लिए 2-3 घंटे चाहिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा मतलब क्या? वो कह रहे हैं शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या? इसकी व्याख्या चाहिए पूरी। एक लाइन में बता दे रहे हैं, अंतिम लाइन आज की, नोकरम द्रव करम भाव करम से रहे सिद्ध भगवान। है नवीन जी, सिद्ध भगवान कैसे हैं? नोकरम द्रव करम भाव करम से रहित। सुनो ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान लक्षण, इसमें शरीर है, कर्म है, कसाय है, तो मैं ज्ञान स्वभाव पर्याय में भी कैसा हूँ? भगवान। अब कौन सी पर्याय भगवान है? राग द्वेष की नहीं, ज्ञान। तो जिस ज्ञान ने जाना मैं भगवान, वो ज्ञान कौन हो गया? पामरता का टेंशन मिटा, सम्यक दर्शन, और भगवान बनना है, पामरता मिटाना है, सारे कार्यक्रम समाप्त, सम्यक चारित्र। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई तो रात में फिर आना, चर्चा चर्चा करेंगे, ठीक है? निज निधि निज में बताई।